वेलकम टू करंट टेक यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में CSS की क्लास 9 है और इस क्लास में हम देखेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम VS कोड में, इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने ट्यूट 9 नाम से एक फोल्डर लिया है और उसके अंदर एक इमेजेस नाम से फोल्डर ले लिया है और उसके अंदर G1 नाम से एक इमेज डाल दी और index.html नाम से एक मैंने फाइल बनाई है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट बनाया है और उसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी नाम से टाइटल सेट कर दिया है। तो अब देखते हैं हम कि डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगा एक इमेज लूँगा, img टैग लूँगा और यहाँ पर मैं जैसे मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि इमेज को कैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने img फोल्डर ले रखा है तो img इमेजेस नाम से फोल्डर है, उसके बाद एक स्लैश लगाओ और G1 कंट्रोल एस से सेव कर दो। और उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक div ले लूँगा, div लूँगा ऐसा कर, इसको कट करके इस div के अंदर पेस्ट करूँगा और इस div को मैं क्लास दे दूँगा बॉक्स नाम से, इस तरह से कंट्रोल एस से। अब इसको देखते हैं लाइव कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। गो लाइव पे जैसे जाएंगे सर्वर स्टार्ट हो रहा है और ये कुछ इस तरह से इमेज बहुत बड़ी हो गई है। तो इसको हम अभी इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल टैग में लेते हैं सबसे पहले img, इसकी विथ और हाइट को डिसाइड सेट कर लेते हैं। इसको भी अभी के लिए मैं इसको भी दे देता हूँ 100 पिक्सल और इसको हाइट भी दे देता हूँ 100 पिक्सल। अभी देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग यूनिवर्सल जो हमारा सिलेक्टर होता है उससे मार्जिन होगी जो इसका वो कर दूंगा 0 यहाँ से और इसको पैडिंग भी मैं अभी 0 दे देता हूँ अभी के लिए। और बॉर्डर बॉक्स जो है इसका बॉक्स साइजिंग देना है इसको, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करेंगे। देखना यहाँ पे मार्जिन वगैरह सब चला गया है, मार्जिन नहीं आ रहा है। तो अब मैंने इसके हाइट और विड्थ सेट कर दिए और इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे एक H3 नाम से और इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेलकम टू माई ब्लॉग कुछ इस तरह से कंट्रोल ऐसे सेव। और यहाँ पे देखते हैं ये आ गया लिखा हुआ वेलकम टू माय ब्लॉग। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं इसको देखो और यहाँ पे देखना ये हो गया, इसके कोई पैडिंग नहीं है, इसके भी कोई पैडिंग नहीं है। ये div है, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है और ये H3 है, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये कैसे पता चला, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, आपको ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है, ये देखो इस पर होवर करते हैं तो ये भी पूरी विड्थ ले रहा है, इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम इतना हो गया है, उसके बाद इसको ले ली बॉक्स साइजिंग वगैरह ले लिया और यहाँ पे हम चलते हैं अब CSS में, इसको टारगेट करते हैं बॉक्स को जो मैंने यहाँ पे div एक लिया है जो बॉक्स उसको यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे डॉट बॉक्स और उसके बाद इसको हम बॉर्डर दे देते हैं पहले तो ताकि आपको दिखाई दे कितनी विड्थ ले रहा है। बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक नहीं, इसको रेड कर लेते हैं ताकि दिखाई दे कुछ इस तरह से रेड कंट्रोल एस से सेव। यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरह से बॉर्डर दिखाई दे रहा है। और अब इसको थोड़ी मार्जिन दे देते हैं साइड से, मार्जिन इसका ऑटो कर देते हैं। अब देखो इसको सेंटर में लाने के लिए मार्जिन ऑटो करते थे हम जैसे कंट्रोल एस से सेव और देखो, पर ये अभी सेंटर में आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी दोनों साइड में हाइट और सॉरी दोनों साइड में पैडिंग होनी चाहिए, कुछ जगह होनी चाहिए, कुछ स्पेस होना चाहिए तभी ये सेंटर में आएगा। बट ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, तो ये अभी बिल्कुल सेंटर में नहीं आया, इसी के कारण नहीं आया। यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखो तो आप कुछ इस तरह से देखो ये पूरी विड्थ ले रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी डिस्प्ले को कुछ यहाँ पर क्लिक करता हूँ देखो, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसकी डिस्प्ले को चेंज करूँगा, प्रॉपर्टी डिस्प्ले की चेंज करूँगा तो ये अपने आप सेंटर में आ जाएगा।
तो हमारे पास जो डिस्प्ले में प्रॉपर्टी होती है वो मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पे देखो, डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। जैसे मैं इसको इनलाइन करता हूँ, देखो क्या होता है। तो इसकी जो डिस्प्ले है, इनलाइन कर दूंगा कंट्रोल एस सेव। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये इनलाइन, ये यहाँ पे इसको बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है ये दोनों, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये जो एलिमेंट है इसके, ये यहाँ पे H3 ले रखा है, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये आई है, ये इमेज ले रखा है। देखो ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये तो आपका इनलाइन ही है, बट ये ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसकी भी डिस्प्ले को इनलाइन कर दूँ तो ये सही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैं H3 को टारगेट करता हूँ, H3, और यहाँ पे डिस्प्ले इसकी इनलाइन करता हूँ कंट्रोल एस से सेव। तो यहाँ पे देखो, अब ये इतनी उतनी जगह लेगा, इनलाइन का मतलब ये होता है कि उतनी जगह लेगा जितना कंटेंट होगा, जितनी उसको रिक्वायर्ड होगी, जितनी उसको चाहिए होगी उतनी जगह लेगा। बट ये अब ऐसा करने से ये ओवरलैप हो गया है, एक ये ओवरलैप कर गया इसको, इसका मतलब इसको बिल्कुल, इसको नीचे आना चाहिए था, बट ये इधर साइड में आ गया है क्योंकि इसकी मैंने इसकी डिस्प्ले है जो मैंने इनलाइन कर दी, और यहाँ पे इसकी जो आपका बॉक्स था, कंटेनर था, यहाँ पे डिव लिया था, उसकी डिस्प्ले भी मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंटेनर, उसकी डिस्प्ले मैंने इनलाइन कर दिया, इसलिए ये ओवरलैप कर गया है। यहाँ पे क्या करेंगे अब, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने इमेज की डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे, देखो तब ये नीचे आ जाएगा। अब देखो, एक तो ये इनलाइन प्रॉपर्टी हो गई, इनलाइन प्रॉपर्टी करने से ये उतनी जगह लेगा, देखो उतनी जगह ले रहा है, पहले ये क्या था, ब्लॉक एलिमेंट था एक, अब ये क्या हो गया, इनलाइन एलिमेंट हो गया है। अब ये उतनी जगह लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड होगी, बट ये ऐसा करने से ये इधर आ गया है, इमेज की साइड में आ गया है, जबकि इसको यहाँ पे नीचे आना चाहिए था। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी इमेज की जो डिस्प्ले है इसको ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे जो IMG है, इसकी डिस्प्ले को हम ब्लॉक करेंगे कुछ इस तरह से, डिस्प्ले, और इसकी भी डिस्प्ले को ब्लॉक करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो ये नीचे आ गया अब, बट ये कंटेनर, आपको कंटेनर का बॉर्डर है, इसको अब यहाँ पे H3 को कुछ इस तरह से आप इसको प्रॉपर्टी दे सकते हो, डिस्प्ले को प्रॉपर्टी दे सकते हो, डिस्प्ले इनलाइन, और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे, ओनली फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और कुछ इस तरह से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और आप अगर आप इनलाइन करते हो तो देखो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसकी जो, ये जो आपका डिव है, इसकी जो देखो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं CSS कहाँ चली गई, थोड़ा इधर करता हूँ इसको। तो ये देखो इसकी डिस्प्ले ब्लॉक है, वैसे तो इसकी डिस्प्ले ब्लॉक है बाय डिफॉल्ट, क्या है इसकी डिस्प्ले ब्लॉक है। जब मैंने इसकी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दी तो देखो ये इतना स्पेस ले रहा है जितना इसको रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे जो यहाँ नीचे H3 ले रखा था, यहाँ पे देखो इसकी डिस्प्ले मैंने इनलाइन कर दी, तो देखो ये भी या अपने अंदर, यहाँ पे देखो ये इनलाइन ब्लॉक हो गई, इनलाइन हो गई इसकी, ये भी अब पूरा इतनी ले रहा है, और ये इमेज की तो थी पहले से ही इनलाइन था। तो आप इस तरह से इसको ब्लॉक और अनब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो, अगर आप यहाँ चाहते हो कि, अब यहाँ पे मैंने इमेज की जो डिस्प्ले थी मैंने ब्लॉक कर दी थी, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे इमेज है और इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दी थी। अगर मैं इसकी डिस्प्ले को ब्लॉक ना करता तो ये जो आपका H3 है ये इधर के यहाँ पे साइड में आ जाता कुछ इस तरह से। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको नन कर दूँ, देखो यहाँ पे इस तरह आ जाता कुछ, तो ऐसा करने से यहाँ पे आ गया डिस्प्ले ब्लॉक करने से। ये कुछ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है, तो आप जिसकी सहायता से आप अपने एलिमेंट को सेट कर सकते हो। तो इसको आप, अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी होती है वो आपको बताऊंगा, फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स और ग्रिड वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसको सेंटर करने के लिए या कंटेंट को सेंटर करने के लिए, वो सब हम आगे देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।